How are you all? I hope you will be fine. Today we will discuss my numbers book Prithvi. Now open your book page number 51. First of all student, you must write down date here. Half means two equal parts. आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हाफ का है कि हाफ किसे कहते हैं. हाफ मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, किसी भी चीज़ के दो बराबर हिस्से. हाफ का मतलब होता है आधा, और किसी इसको कहते हैं किसी भी चीज़ के, हाफ का मतलब होता है आधा, यानी किसी भी चीज़ के दो बराबर हिस्से. हाफ मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, हाफ मीन्स टू इक्वल पार्ट्स. जैसे कि ये हमारे पास एक केक का पीस है, इसको हमने दरमियान में से हाफ़ किया, तो ये इसके देखें दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो इट्स मीन ये प्रॉपरली हाफ हो गया है. कलर द पिक्चर डैट शोज टू इक्वल पार्ट्स. कलर द पिक्चर डैट शोज टू इक्वल हाफ्स. अगेन रिपीट द कैप्शन. कलर द पिक्चर डैट शोज टू इक्वल हाफ्स. अब हमने उन पिक्चर्स को कलर करना है जिनके दो बराबर हिस्से हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है. देखें इसके बराबर टू पार्ट्स हैं. गुड, इसका ये पार्ट्स इसके इक्वल है, तो हम इसमें कलर करेंगे. सर्कल में भी हम कलर करेंगे, इसके दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं. इस शेप में भी हम कलर करेंगे, ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हैं. अब ये देखें, ये हमें लेटर बॉक्स की तरह लग रहा है ना. इसके दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं. नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर वेरी गुड, ऊपर ट्राइंगल है. इसमें हम कलर नहीं करेंगे. इसमें ये स्क्वायर बॉक्सेस है हमारे पास, इनमें हम कलर करेंगे क्योंकि इनके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. इन ट्राइंगल्स में भी हम कलर करेंगे. अब ये देखें, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो इट्स मीन हम इस पिक्चर को कलर नहीं करेंगे. तो प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंट कलर यूज़ करके आउटलाइन के साथ इन पिक्चर्स में कलर करना है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. कलर हाफ ऑफ ईच ग्रुप. कलर हाफ ऑफ ईच ग्रुप. ये हमें फोर ग्रुप्स दिए गए हैं, हमने इनके हाफ पे कलर करना है. ये हमारे पास टू डॉग्स हैं, तो टू का हाफ वन हुआ. प्यारे बच्चों, हमारे पास ये टू डॉग्स हैं, इनका हाफ क्या होगा? वन. तो हमने इस पिक्चर को कलर करना है, सिर्फ वन पिक्चर को. कैट्स, काउंट करते हैं कितनी कैट्स हैं हमारे पास. वन टू थ्री फोर, तो फोर का हाफ क्या होगा? टू. तो हम इन टू कैट्स को कलर करेंगे. नाउ काउंट द रैट्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सिक्स. सिक्स का हाफ होगा हमारे पास थ्री, तो हम थ्री रेड्स पे कलर करेंगे. नाउ काउंट द फिश. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. एट का हाफ हमारे पास आएगा फोर. वन टू थ्री फोर, तो हम फोर फिश पे कलर करेंगे. आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कलर भी नीट करने हैं. नाउ मूव टू पेज नंबर 52. So student, as you know, first we write down date here. Color the drink in each glass. Color the drink in each glass. हमारे पास ये three glasses दिए गए हैं, इनमें आपने according to statement color करना है. Half full. Half full. अब इसमें जितना भी आपका half full आएगा, आपने उसको previous pages में हमने पढ़ा था ना. तो आपने उसके according इसके half full में कलर करना है. एम्पटी. एम्पटी मीन ये बिल्कुल खाली रहेगा. फुल. इस पूरे को हम कलर कर देंगे क्योंकि हमने इसमें ड्रिंक शो करना है ना, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हाफ फुल. एम्पटी फुल. ओके. कलर द बुक डैट इज ईजीएस्ट टू पुल. कलर द बुक डैट इज़ ईजीएस्ट टू पुल. तो प्यारे बच्चों, ईजीएस्ट का मतलब होता है आसानी से, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना. पुल, अपनी तरफ खींचना. अब ये देखें, ये हमारे पास जो बुक है ये थोड़ी हैवी है, इसको तो हम ईजीली अपनी तरफ नहीं खींच सकते, पुल नहीं कर सकते. ये जो है ये भी थोड़ी सी हैवी लग रही है, इसके पेजेस भी ज़्यादा लग रहे हैं. और जो हमारी ये वाली बुक है,
ये तो बिल्कुल ही बारीक सी है, बहुत ही लाइट है, तो हम इसको इजीली रोप के साथ अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आपने इस बुक पे कलर करना है, कलर आपने नीट करने हैं, ठीक है। और खाना खाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त आपने बुक को टच नहीं करना, ताकि आपकी बुक गंदी ना हो। नाउ मूव टू पेज नंबर 53। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट हियर, ट्रेस ओवर द 2D शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। ट्रेस ओवर द 2D शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। पेरेंट्स आपने कोशिश करनी है कि कैप्शन बच्चा खुद पढ़े, अगर उसको कोई वर्ड पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो वो आप उसको बता सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करें कि बच्चा कैप्शन खुद पढ़े, और उसको बुक की जितनी भी तकरीबन कैप्शन हैं वो सारी खुद पढ़नी आनी चाहिए। अब ये हमारे पास 2D शेप्स दी गई हैं, हमने इनको पहले ट्रेस करना है, फिर उस पर उस शेप का नेम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ट्रेस का मतलब होता है डॉट को डॉट के साथ मिलाना, और जब हम डॉट को डॉट के साथ मिलाते हैं तो कोई शेप बन जाती है। तो अब हम, मैं आपको लिखना बताऊंगी, इधर हम लिखेंगे सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, आपने इसको भी ट्रेस करना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ओवल, ओवल। तो आपने इनको पहले ट्रेस करना है और फिर इनके नाम लिखने हैं। कलर द क्लोज शेप, कलर द क्लोज्ड शेप्स। क्लोज, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, जिन जो शेप्स बंद हैं आपने उनमें कलर करना है। जैसे हमारे पास ये है, ये देखें बिल्कुल क्लोज शेप है ना, तो इसमें हम कलर करेंगे। ओवल भी क्लोज्ड है, रेक्टेंगल भी क्लोज्ड है, और ट्रायंगल भी क्लोज्ड है। बाकी ये देखें, ये शेप्स जो हैं ये ओपन्ड हैं, तो इनमें हम कलर नहीं करेंगे, हम जस्ट क्लोज शेप में कलर करेंगे। ड्रॉ 3 क्लोज्ड एंड 3 ओपन शेप। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर 3 ओपन और 3 क्लोज शेप बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। आपने इन पेजेस को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।